इख्तियारात के नजायज इस्तेमाल से मुतालिक फारूक हबीब के खिलाफ केस की समाअत हुई है। लाहौर हाईकोर्ट ने FIA को फारूक हबीब को हरासा करने से रोक दिया है। लाहौर हाईकोर्ट से आपको आगाह कर रहे हैं, इख्तियारात के नजायज इस्तेमाल का ये मामला है और लाहौर हाईकोर्ट ने FIA को फारूक हबीब को हरासा करने से रोक दिया है। आज की समाअत में क्या कुछ हुआ जानते हैं, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मिसालिया नीलम ने फारूक हबीब को हरासा करने से मुतल्लिक और FIA की जानिब से तलबी के नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने FIA को फारूक हबीब को हरासा करने से रोकते हुए दायर दरख्वास्त निपटा दी है। फारूक हबीब की जानिब से 21 फरवरी की दोपहर 11:30 बजे FIA की जानिब से तलबी के नोटिस को चैलेंज किया गया था और ये मौका इख्तियार किया गया था कि इख्तियारात के नजायज इस्तेमाल से मुतल्लिक फारूक हबीब को के खिलाफ FIA ने इंक्वायरी शुरू कर रखी है और खदशा है कि पेशी के दौरान फारूक हबीब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अदालत ने दायर दरख्वास्त को निपटाते हुए FIA को अहकाम जारी किए हैं कि FIA दौरान इंक्वायरी फारूक हबीब को किसी किस्म की हरासा ना करे। जी बिल्कुल ठीक है, तो FIA को अहकाम जारी कर दिए गए हैं लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से कि फारूक हबीब को हरासा ना किया जाए। इशफाक शुक्रिया आपका।